बालों पे कितना ध्यान देते हैं, कितना कुछ लगाते हैं, लेकिन ये बाल टस से मस नहीं होते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि हम भी कोई कम नहीं है, हम भी उतने ही जिद्दी हैं। कैसे? अगर आप पेड़ के सिर्फ पत्तों पे लगाते रहेंगे, उसकी मिट्टी पे या फिर जड़ों पे कोई ध्यान नहीं देंगे, तो वो पेड़ बढ़ नहीं पाएगा। ऐसे ही आपके बालों के साथ भी होता है। अगर आप सिर्फ ऊपर से DIY लगाते रहेंगे, इंटरनली ध्यान नहीं देंगे, तो आपको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मेरा फेवरेट सप्लीमेंट, प्लस आप घर पे भी रह के घर के नेचुरल इंग्रेडिएंट से कैसे इंटरनली अपना ध्यान रख सकते हैं, कैसे अपने आप को हेल्दी बना सकते हैं, कैसे अपने बालों को अच्छा लंबा घना बना सकते हैं। तो चलिए फिर ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ जाती है एज यूजुअल, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। तो मैंने आप लोगों के साथ बात की थी कि मैं सप्लीमेंट लेती हूँ, मैं कौन सा सप्लीमेंट देती हूँ, मेरा कौन सा फेवरेट सप्लीमेंट है और क्यों मैं इस सप्लीमेंट को ले रही हूँ, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी। पहले भी मैं आप लोगों के साथ ये सप्लीमेंट शेयर कर चुकी हूँ अगर आपको याद है तो। मार्केट में आपको बहुत सारे सप्लीमेंट मिल जाएंगे, लेकिन बात ये होती है कि अच्छा कौन सा है जो हमें रिजल्ट दे पाए। मैं आप लोगों को यहाँ पे सजेस्ट करूंगी कि आप हेल्थ बीट का सैनविटान वुमन मल्टी वाइटमिन एंड मल्टी मिनरल ये वाला सप्लीमेंट ले सकते हैं। देखिए, हमारी बॉडी को 13 न्यूट्रिशंस की जरूरत होती है पूरे दिन भर, और आप देख सकते हैं आपको इसके अंदर 24 की न्यूट्रिशंस मिलते हैं। इसके अंदर वाइटमिन सी है, B3 है, ई है, B5, B6, B2, B1, ए, फोलिक एसिड, वाइटमिन के, B7, डी और B12 भी आपको इसके अंदर मिल जाता है। ये काम क्या करता है, आपके एनर्जी लेवल को बढ़ाता है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर देता है, आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और हाँ, आपकी ओवरऑल हेल्थ में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट लेके आता है। तो ये सप्लीमेंट अगर आप दिन में सिर्फ एक टैबलेट भी लेते हैं ना, तो आपके दिन भर की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। अगर आप इस सप्लीमेंट को लेना चाहते हैं, मैं इसी सप्लीमेंट को ले रही हूँ लगातार पिछले 1.5 या 2 साल से, बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही बेहतर है, बहुत ही अच्छा है। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ये 100% वेजिटेरियन है। जो लोग वेजिटेरियन हैं, जो अंडे वगैरह नहीं खाते हैं, उनको इश्यू हो जाता है कि वो पूरे दिन भर की रिक्वायरमेंट, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट कैसे पूरी करें, तो ये सप्लीमेंट आप ले सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे DIY की तरफ। DIY के लिए आपको क्या करना है, देखिए आपको लेना है किशमिश। किशमिश किस लिए लेना है, किशमिश के अंदर आयरन होता है, कैल्शियम होता है, फाइबर होता है, आपके बालों के लिए बहुत हेल्दी होता है। अगर आप किशमिश को डेली बेसिस पे खाएंगे ना, तो इससे आपके हेयर की लेंथ भी इंक्रीज होगी, आपके बालों में वॉल्यूम आएगी और आपके बाल जो जा चुके हैं वो दोबारा आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको ये जो रेमेडी है, जो DIY है, ये लगातार आपको करना होगा। आपको सिर्फ 15 से 20 किशमिश लेने हैं, उनको अच्छे से वॉश कर लेना है, चाहे पैकिंग वाला है चाहे खुले वाला है, उनको वॉश करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जो डर्ट धूल मिट्टी है वो अच्छे से निकल जाए। तो 15 से 20 किशमिश हमने ले लिया, अच्छे से वॉश कर लिया, और फिर आपको लेना है आलमंड। आलमंड भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्रोटीन होता है, बहुत सारी ऐसे न्यूट्रिशंस होते हैं आलमंड के अंदर। अगर आप हर रोज 4 आलमंड खाते हैं रात में भिगो के सुबह उठ के, तो आपको शायद ही किसी और न्यूट्रिशन और इंग्रेडिएंट की जरूरत पड़े, तो आलमंड बड़े कमाल का हो सकता है। देखिए, किशमिश जो हमने ली है उसके अंदर भर भर के आयरन है, और कई बार क्या होता है कि मेरे पास आयरन की कमी से हेयर फॉल हो रहा है, तो ये छोटी सी किशमिश आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करने में भी आपकी काफ़ी मदद करेगी। दोनों चीज़ों को अच्छे से वॉश करके आपको एक बर्तन के अंदर डाल देना है और उसके अंदर आपको पानी भर देना है। पानी भर के पूरी रात भर के लिए इसको भूल जाइए, पूरी रात भर के लिए आप इसको रख दीजिए। जैसे ही आप सुबह उठते हैं, आपका जो ये पानी है ये कुछ इस कलर का हो जाएगा, मटमैला सा हो जाएगा, यानी कि जो किशमिश का जो न्यूट्रिशन पावर है वो पानी के अंदर आ गई है। अब हम दोनों को अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। आपको जो ये पानी है फेंकना नहीं है। जब आप सुबह उठते हैं तो आपका सबसे पहला काम यही होगा कि जो ये पानी है इसे आपको खाली पेट पीना है। ये केवल आपके बालों के लिए नहीं है, अगर आपको डार्क सर्कल है, अगर आपको पिंपल्स हैं, आपकी स्किन पे कोई ग्लो नहीं है, ये पानी आपकी पूरी बॉडी पे मैजिक कर देगा, आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करेगा। ये नहीं है कि आप 2-3 दिन के लिए पियेंगे और फिर भूल जाएंगे और फिर छोड़ देंगे और बोलेंगे रिजल्ट नहीं मिला है। आप इसको एक बार लगातार 1 महीने के लिए करके तो देखिएगा, आपको बेहतरीन रिजल्ट मिल सकते हैं। और आलमंड और जो किशमिश हमारे बचे हुए हैं, आलमंड को हम साफ कर देंगे, ठीक है। साफ करके
फिर खा मतलब छिलका उतार के, और दोनों चीजों को आपको किशमिश को और बादाम को आराम से बैठ के पहले आपको ये खाना है, उसके बाद आपको कोई भी काम शुरू करना है सुबह का। सुबह खाएंगे, खाली पेट खाएंगे, बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। सप्लीमेंट लेना है तो मैंने आप लोगों को बता दिया है, सप्लीमेंट के साथ साथ अगर आप ये DIY करेंगे तो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। जिनका बैलेंस है वो सप्लीमेंट ले लें, जिनका बैलेंस नहीं है वो DIY भी कर सकते हैं, लेकिन आज की इतनी बिजी लाइफ में सप्लीमेंट लेना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जो हमारा दिन भर का खाना है वो हमें पावर नहीं दे पाता, क्योंकि उसके अंदर उतनी न्यूट्रिशंस नहीं होते हैं जितने हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। आपको तीसरी बात क्या करनी है, जो सीजनल फ्रूट होते हैं, देखिए हम आज की वीडियो में सिर्फ खाने की तरफ ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि खाना अगर आप बेहतर खाएंगे तो DIY लगाने की, ऊपर से लगाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि खाना ही आप इतना अच्छा खा रहे हैं जो सारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है, जो आपकी बॉडी में कमी है उनको पूरा कर रहा है। सीजनल फ्रूट में आप बनाना ले सकते हैं, बनाना बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है। आप ऑरेंज खा सकते हैं, मतलब जो सीजन के अकॉर्डिंग, एप्पल आते हैं तो आप एप्पल खाएं, मैंगो आते हैं तो आप मैंगो खाएं, मतलब दिन में एक फ्रूट आपको कोई ना कोई जरूर लेना चाहिए, ओके। और हाँ, बात ये है कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि कैसे आप अपने बालों को दोबारा से उगा सकते हैं, वो वाली प्रोसेस भी आप कर सकते हैं, उसमें भी आपका एक भी रुपया नहीं लगेगा। तो वो वाली वीडियो भी आप देखिएगा, जो उसमें मैंने दो स्टेप बताए हैं आप लोगों को, वो भी कीजिएगा, और साथ में इन सारी बातों पे अगर आप ध्यान रखेंगे तो बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेंगे, आपको किसी और चीज़ की, किसी भी और प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ये था आज का छोटा सा प्यारा सा वीडियो, आशा करती हूँ कि आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। मैं मिलती हूँ एक प्यारी अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा पानी पिए, खुश रहें, खुश रखें, बाय।